अथाजंत पुल्लिंग तत्बोधिनी में देखिए अर्थ धातुरिति प्रत्यम प्रत्यंत चैत सूत्र है तंत्रादिना उभयम विवक्षितमिति भाव। सूत्र में तंत्रादि के द्वारा, तंत्रादि का मतलब क्या है पहले बता चुका हूं, क्या है सकृत उच्चरित श्रुति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, एक बार उच्चारण किए उसको भी अनेक अर्थ लेना वो तंत्र होता है। तंत्र है आवृत्ति है, दूसरा क्या है आवृत्ति, एक चीज को आवृत्ति करो तभी तो अर्थ मिल जाएगा हमें, और तीसरा है एक शेष, ये तीन प्रक्रिया है, इसी को आदि कहते हैं तंत्र आदि ना। तंत्र से मैंने एक ही बार अप्रत्यय बोल दिया, लेकिन वो एक बार बोला हो भी दो अर्थ दे देगा हमको, अथवा एक बार दो लाओगे आवृत्ति कर लो, दो अर्थ निकालना है दो बार लो, तीन अर्थ निकालना है तीन बार आवृत्ति करो, जितनी अर्थ निकालो उतनी आवृत्ति कर लेना, और तीसरी है एक शेष कर लो तरीका, अप्रत्यय 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 एक, तब हमें दो अर्थ निकल सकता है। विवक्षितम इति उभयम अर्थम विवक्षितम, इसलिए दोनों अर्थ मान ले इति भाव। अर्थमिति नपुंसक निर्देशस्य अनुगुणम विशेष्यम अध्याहरति, अर्थवत या नपुंसक निर्देश है इसके अनुरूप इसलिए विशेष्य का भी हमने अध्याय कर दिया, शब्द स्वरूपम ऐसा अध्याय हो गया। अधातुर अप्रत्यय इति पुल्लिंग निर्देश, तो इनको क्यों पुल्लिंग किया, ये भी तो विशेषण है तो वहां भी नपुंसकलिंग होना चाहिए, कहते नहीं परवलिंगम द्वंद्वत्व पुरुषयोः इति उत्तर पद लिंगवत्वात्, उत्तर पद का जो लिंग है वही समस्त पद का लिंग होता है, ये नियमों को देखते हुए यहाँ पर पुल्लिंग रख दिया गया अधातु हो में इत्याहु। यदि तो धातु भिन्नमिति अर्थ परित्यज्य आरोपित धातु रीति अधातु, ऐसे व्याख्यान करें यदि व्याख्या है, यदि ऐसा कोई करें धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत वर्जितम, ये तो अपने धातु प्रत्यय प्रत्यांत वर्जित्व आपने कहा, ऐसा ना कह करके आप ऐसे व्याख्या कर दीजिए ना, हाँ क्यों इसमें नहीं मानेंगे आप, आरोपित धातु रीति अधातु ऐसे समास न अर्थ भिन्न न मतलब धातु भिन्नम ऐसा अर्थ नहीं, तद भिन्न अर्थ होता है ना नए समास, नए का छह अर्थ होते हैं तद भिन्न तद अल्प है तद सदृश इत्यादि, उनमें से ये करे वो अर्थ मतलब आप आरोपितो धातु रीति अधातु ऐसे समास कर, आरोपित प्रत्यय थी अप्रत्यय क्यों समास कर लीजिए, तदा नपुंसकत्व प्रत्यक्ष प्राप्त शंका ही बनास्ती, तब नपुंसकत्व प्राप्ति की आशंका ही नहीं रहेगा, उपलिंग स्पष्ट रहेगा। इति ज्ञेयम् अविचार आरंभ होते अर्थवदिति किम् धनम वनम इत्यादौ प्रतिवर्णम संज्ञा मा भूत तस्यांच सत्या, प्रतिवर्ण की संज्ञा न होवे, यदि प्रतिवर्ण की संज्ञा हो जाए तो स्वादेश हो स्वाद उत्पन्न हो जाएंगे, ननो संख्या कर्मादि अभावात् न भविष्यन्ति, संख्या है ना कर्म कर्मादि कारक नहीं है इसलिए नहीं हो सकता यहाँ प्रत्यय, ऐसा आप आशंका न करें, क्यों भविष्यन्ति भविष्यति हो गया है या भविष्यन्ति ऐसा भी हो सकती है, एक वचन भी हो सकता है बहुवचन भी हो सकता है पाठवेद ना, क्यों एक वचन उत्सर्ग का करिष्यते इति सिद्धांता, भाष्यकार ने सिद्धांत दे दिया है, चाहे कोई संख्या का बोध हो या ना हो, कार का बोध हो तो ना हो, पुरुष का बोध हो काल का बोध हो या ना हो, हैं तो भी एक वचन तो हो ही सकता है, किसी भी क्रिया पद वाला धातु को ले लो और तिंग तो कर ही सकते टिप, तो इसे कोई नहीं रोक सकता, टिप को कोई नहीं रोकेगा वहां, और यहां सु को कोई नहीं रोक सकता, सबसे सु हो जाए हुम फट आदिभ्य इव सोर दुर्वार्ता, जैसे हुम फट इत्यादि को साधु पद बनाने के लिए सु लाना पड़ेगा, लुक करना पड़ेगा अवेदार सुप से, ये सु ला के लुक नहीं करोगे तो कैसे हो जाएंगे वो सुबंध पद, असाधु रहेंगे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उसी पर यहां पर सु लाइए और जो भी कार्य संभव कीजिए। न च अर्थोद्ग्रहण परिभाषया अनर्थक नस्यैति वाच्यम्, इन अर्थोद्ग्रहण परिभाषा की वजह से अनर्थक में प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा आप नहीं कहना, तस्या विशिष्ट रूप उपादान विशेषवाद, क्योंकि वह जो है विशिष्ट रूप जहाँ ग्रहण किया गया वहीं पर लगेगा, सामान्य कथन में नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञापक सिद्ध है ना परिभाषा,
ज्ञापक का सिद्धांत न सर्वत्र नियम है। तो ज्ञापक सिद्ध होता है जिस आधार पर आपने सिद्ध किया ज्ञापन किया है वो उसके जैसे जहां जहां मिलेगा वहीं पर परिभाषित है। यहाँ क्या ज्ञापन हुआ था? प्रादो डोढ़ शैशेषु, प्रादो डोढ़ शैशेषु, राज भ्राज, राज भ्रश्च भ्रज भ्रज राज भ्राज शशांक न सूत्र राज सलग भ्राज की ग्रहण किया, भ्राज में तो राज छिपा है ही, राजग्रहण से भ्राजग्रहण हो जाएगा, अलग क्यों ग्रहण कर रहे हैं आप? दूसरा ऊढ़ जहां ग्रहण हो गया, आया था ना पहले प्राद और डोडे शिष्य, क्या होगा था? ऊढ़ के परते हुए जो कार्य होगा ऊढ़वान का हिस्सा ऊढ़ के परते हुए नहीं होगा। विशिष्ट है ना, ऊढ़ क्या है? विशिष्ट चीज है, एक विशिष्ट रूप को लेकर आपने ज्ञापन कर दिया। अर्थवग्रहणे नानक कस्याप ग्रहणम, कि ऊढ़ अर्थवान है, तो ऊढ़वान में जो ऊढ़ हिस्सा है वो अर्थवान नहीं। विशिष्ट को ग्रहण करके बना हुआ परिभाषा होने के नाते जहां जहां विशिष्ट कथन किया जा रहा हो वहां उससे सामान्य ग्रहण करने लग जाए तब वो परिभाषा लगेगी। यहां तो कोई विशिष्ट ग्रहण ही नहीं, आधार और अप्रत्यय सामान्य प्रयोग हो रहा है, संज्ञाओं का प्रयोग हो, यहां तो विशिष्ट के रूप में ही प्रयोग नहीं है। प्रादोड्य तो ऊढ़ विशिष्ट रूप उपातम तवत्वंत एक देश से अनर्थक से ऊढ़ शब्द से ग्रहणम न इत्युक्तम, ये वहां पर कह दिया गया था। नहीं अत्र तथा विशेष रूप से उपादनम अस्ति, और यह सूत्र में ऐसे कोई विशेष रूप ग्रहण नहीं किया गया ताकि वो परिभाषा लागू कर सके। यद्यपि अधातुरिति आदि प्रदासेन अर्थवत्वम लभ्यते, प्रदास के द्वारा ही अर्थवत्ता ज्ञापन हो रहा है, तो फिर सूत्र में अर्थवत्त शब्द ग्रहण करने क्या जरूरत है? इस सूत्र में इन अर्थवत्त शब्द है ना, अर्थवत्त धातु और अर्थवत्त क्यों कह रहे हैं? धातु अर्थवान होता है, पढ़ने धातु पाठक में ऐसे अर्थ निर्देश कर चुका है, प्रत्ययों का भी अपना अपना कुछ अनुदार्थ होता है, और कोई अर्थ नहीं तो स्वार्थी का कह देते हो, तो प्रकृति का अर्थ वही अर्थ में कर दो। अधातु केंद्रीय अर्थ धातु से भिन्न धातु के सदृश प्रदास कर दो, अपने आप अर्थवान शब्द समुग्रहण हो जाएगा ना, शब्द स्वरूप तो सूत्र में अर्थ ग्रहण कर दे क्या, लेकिन वास्तव में प्रदास में मानना इष्ट नहीं है, कहन इत्यादि में गड़बड़ हो जाएगा। वही बता रहे यदि भी अधातु इत्यादि प्रदास है ना अर्थवत्वम लभ्यते तथापि उत्तरार्थम अर्थोग्रहणम स्पष्ट प्रतिपत्ति यही कृतम। यदि भी आगे सूत्र में कर्तव्य समासास्य सूत्र में जरूरत थी, लेकिन उसको यहाँ क्यों ग्रहण किया? फिर स्पष्टता बोध करना के लिए। न चैकाच दुर्वचन न्याय न समुदाय से संज्ञा न अवयवानाम इति अर्थोग्रहणम यह व्यर्थम, तब भी व्यर्थ है, स्पष्टार्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं। क्यों? एकाच दुर्वचन न्याय है, एकाच दुर्वचन न्याय क्या कहता है? कोई भी कार्य होता है वो समुदाय में ही होता है। इसे भू भू शब्द को आप द्वित किया ना, भू धातु से उपागम हो गया, भू को जब द्वित करना होगा एकाच प्रथमस्य अधिकार है, जो प्रथम एकाच होगा उसको दुर्वचन होता है, द्वित होता है। अब एकाच कितने हैं यहां भू में? अरे चार है, कहां है तुम लोगों, क्या पढ़े? चार है, चार। अरे केवल ऊ पहला ले लो, भाटा वह हटा, केवल ऊ एकाच हुआ कि नहीं? ऊ और वह मिला दो, वो एकाच, दूसरा भू वह हटा दे, तीसरा और भू पूरा मिल गए, चौथा। चार में से किसको द्वित करूं ये आशंका होती है वहां, तब न्याय लगाया एकाच हो दुर्वचन न्याय जो कहते वृक्ष प्रचलन सावल ही प्रचलती लौकिक न्याय, आपने पूरा वृक्ष को हिलाया तो हर पत्ता डाल ही हिल जाता है। इसी प्रकार से हम जब एकाश विद्युत करने ला जाएंगे पूरे समुदाय को होगा, केवल ऊ को नहीं, केवल ऊ को नहीं, केवल भू को नहीं, किंतु भू को होगा। ऐसा नहीं एक, एक अच्छे जिसमें भूरी समाज है ना, इसे केवल ऊ को भी अच्छा ले लूंगा और ऊ से ही तो हुआ, वो भी एकाश समुदाय हुआ ना, और केवल भूल को तो भी एकाश माना जाएगा, उसको भी, उसे भी एक अच्छा है,
और भू समुदाय लोगे तो भी एकाच हो जाएगा। उसे यहां पर भी हम जब भी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे समुदाय को ही करेंगे ना, केवल ध को अ को न को को का प्राप्ति नहीं है, फिर क्या जरूरत है अर्थ ग्रहण सूत्र में ग्रहण करने के शब्द को। ये पूर्व पक्ष कहना समुदाय से वह संज्ञा दिया न अवयवाना, इसे धकार अकार नकार अकार प्रत्येक अवयव को प्राप्ति संज्ञा प्राप्ति नहीं है यहाँ पे, इसलिए अर्थोग्रहण भी व्यर्थम इति न संख्यम। समुदाय द्विरुक्ते अवयवा भी द्विरुक्ता भवन्ति, वहां समुदाय के द्विरुक्त होने पर अवयव भी द्विरुक्त हो जाते हैं वहां पे, यानी यहाँ ऐसा नहीं है ना, जहां समवाय वहां पर क्या होता है समुदाय का द्वित्व कहने पर अवयवों का भी द्वित्व हो जाता है, तभी समुदाय का द्वित्व माना जाएगा। बिना अवयवों के द्वित्व का समुदाय का द्वित्व क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है वो। इसलिए कहते हैं कि देखो वहां पर भी जो समुदाय द्विरूप है अवयवा भी द्विरूपता बनते, क्यों वृक्ष प्रचलन सा अवय प्रचलित न्यायात, यह तो समुदाय प्रवृत्तिया प्रासंज्ञया न अवयवानां तत्कार स्थिति, और हमने जो क्या किया समुदाय में प्रवृत्ति संज्ञा को हम अवयव में नहीं लगा रहे बल्कि प्रत्येक अवयव में ही हम संज्ञा करने जा रहे हैं। यह तो समुदाय प्रवृत्ति या प्रासंज्ञया न अवयवानां तत्कार्यत्व सिद्धि रीति वैषम्याति विषमता है, अतएव यत्र बहवो हलः संसृष्टा, इसी पर संयोग संज्ञा भी क्या है, जब बहुत हल संयुक्त हो तो भी दो दो हल का ही हम संयोग संज्ञा करते हैं, तीन को मिला के संयोग संज्ञा नहीं होता है कि नहीं। नहीं तो सुदृशक प्रासाद कर दो आप, सुदृशक प्रासाद तपर संयोग नहीं, तपर संयोग गया संयोग का ही तकार लोप हो जाएगा, ये दिक्कत होगी ना, वह ना हो इसे हमने दो दो की संज्ञा करी, और सुदृशत में पदार्थ दो है नहीं, संयोग का आदि कहाँ मिलेगा वह हमको, वही कह रहे हैं जैसे वहां अतएव यत्र भावो वाला संश्लिष्टा तत्र द्वयोर द्वयोर बहुनांच अविशेष संयोग संज्ञा दो दो की भी हो सकती है बहुतों की भी हो सकती है, इति सिद्धांत संगच्छते, जहां जैसा लक्ष्य है लक्ष्यानुरोध है ना, दो दो की कर लूंगा, कहीं लक्ष्यानुरोध है ना तीन की करना पड़ जाए तीन की कर देंगे, अन्यथा तदुपन्यस्त न्याय है ना समुदाय संज्ञा प्रवर्तते, नहीं तो आपके उक्त न्याय के आधार पर क्या होगा समुदाय की हमेशा हो जाएगा, दो दो की होगा नहीं, लक्ष्य रूप जो सिद्ध होंगे वो नहीं हो पाएगा, अन्यथा तदुपन्यस्त न्याय है ना समुदाय संयोग संज्ञा प्रवर्तते। यहां तक एक का पक्ष खत्म हो, जो शुरू वाला था ना आहू का पक्ष वो समाप्त, इत्याहू पर यदि तू से बोला गया अत्र के अब दूसरा पक्ष उठा रहे धनवनम इत्यादि प्रतिवर्णम सत्यमपि संज्ञाम सत्सुअपि स्वादिशु न क्षति करता है, कोई क्षति नहीं होगा, क्यों हल्के आदि लोग सूत्र हमारे पास लोप कर देंगे, आप जितने हल से और सुहाएगा लोप कर दो, हकार बच जाएगा ध ध न हल्के आदि इत्यादि ना सुलोपा न चो न लोपो धस्य जस्तंच स्यात्, पर कह सकता है लेकिन न से पर में जो सुहा के लोप हो जाएगा तो क्या होगा नकार का लोप हो जाएगा, और ध को क्या होगा सुवा के लोप हो गया जलाश द हो जाएगा, और अकार से परमे सु आएगा वो तो रुत कर डालेगा उत्तो कर गुण हो जाएगा, ये दिक्कतें आएंगी, कहीं पर उसका विसर्ग हो जाएगा, मान लो परमे आई नहीं निमित्त जो करने यहाँ तो नकार है हस्ता हर्ष से उत्तम कर देंगे सौ को रू को उत्त कर देंगे, यहाँ परमे ना ना हो अच्छ हो तो क्या करेंगे वहाँ, और अत ना हो तो विसर्ग करना पड़ जाएगा, जहां जैसा योगायोग से प्राप्त है वो करेंगे। इति न संज्ञा ऐसा मत संज्ञा करें आप, क्यों धातु पाठे धनवनि उच्चारण सामर्थ्याद तद अप्रवृत्तरित्या हो, कि धातु पाठ में धनवनि उच्चारण सामर्थ्याद ही हम वहां सूत्र में प्रवृत्त नहीं करेंगे, ऐसे जी कहते हो तद असत, ऐसा किसका यदि किंचित तद असत, अकारा स्वरुत्पत्त और ऋतु प्रवृत्त है, आकार से उत्पन्न ऋतु की प्रवृत्ति में आप रोक नहीं कर सकेंगे, यद्यपि समुदित प्राप्ति प्रातिपदिक अवयवत्वेन सुपोलुकी वृत्तम न भवे तथापि चिकीर्षित इत्यादि, यदि कोई कहे भाई समुदित प्रातिपदिक अवयवत्वेन समुदित प्रातिपदिक ही अवयव हो जाएगा वो, अतएव उसको उस सुपोलुकी सुपिका लुक हो जाएगा वृत्तम न भवे वृत्त नहीं होगा तथापि
चिकीर्षति, ऐसे दृष्टांत ढूंढो जहां पर समस्या खड़ी होगी, चिकीर्षति ये ढूंढ लिया। रेफ दकारयो पदांतत्वे सती, चिकीर में पदांत हो जाएगा वो, और विद्मा में विद अलग है ना धातु, मस प्रत्यय है, वो धातु को सूलाकर हम लोप कर देंगे, पसंज्ञा हो जाएगा वहां पर, उसमें पदांत हो जाएगा। खरा असर विसर्गस्य अनुनाशस्य प्रसंगात, चिकीर कर रा को क्या हो जाएगा विसर्ग, और विद के दकार को नकार, या पत्ति है दिख, तो शास्त्र खत्म कर दिया। अब अधातु किम अहन, धातु प्रासंज्ञायां सत्याम तिंगाम स्वाद्यपवादत्वाद अहन इत्यत्र, धातु का प्रासंज्ञा कर दोगे, प्रासंज्ञा को क्या करेगा, प्रासंज्ञाम सत्याम तिंगाम स्वाद्यपवादत्वाद, जो तिंग है वो स्वाद का अपवाद होने के नाते तिंग लाएंगे, अहन रूप बना लेंगे, उसके इत्यत्र क्या होगा, हं हंतिस तिपि सिपि वा कृते, हं धातु से सिप और तिप आदि करने के बाद इतश्चित इकार लोपे हलग्यादि लोपे च प्राकृता प्रातिसंज्ञा नापगता, जो पहला किया गया प्रासंज्ञा हटा हुआ नहीं है, तो अपवाद प्रकार करके चला गया, अब अपवाद से निवृत्त है, उत्सर्ग लौट आएगा, न्याय आपका। इति नलोप प्रादि से नलोपो स्या तन माभूत, इसलिए धातु का ना जरूरी अहन की रुत्व रोष पीति रक्तंच यह नाशंक्य, और अहन में रुत्व रत्व यह आशंका न करें, क्यों ये जो अहन के नकार है वो लाक्षणिकत्वात, अहन है ना वो अर्थ वाला है ही नहीं, यहाँ तो यहाँ अट्टागम होकर के अहन दिख रहा है, लाक्षणिक है वो जो अहन शब्द जिसको आप रू कर रहे हैं या र करते हैं, वो अहन ने प्रातिपदिक है, जिसका ना अर्थ क्या है दिन, दिन और रात, दिन रात की पर्यायवाची में ना, तो दिन वाचक है शब्द है वो अलग है, और वो जो सूत्र रुत और र कर रहा है, और ये जो है लाक्षणिक है, अहन धातु से अट्टागम होकर के अहन दिख रहा है, इसी रुत रत्व अधिकारी नहीं होंगे। नच कार्यकाल पक्ष, ये कार्यकाल पक्ष मानोगे तो प्रत्यांत तत्न प्रदासात, प्रत्यांत को ले लूंगा, उससे प्रदास हो जाने से प्रासंज्ञा अभाव है ना नलोपो न भवे, प्रासंज्ञा का अभाव होने से नलोप नहीं होगा, इति अपि न च वाच्यम, ऐसी भी आप आशंका न करें, क्यों प्रत्यलक्षण ना उक्त प्रदास अप्रवृत्त है, न भी संबुद्धि होती निषेध है ना ज्ञापित, प्रदास की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इस बात का ज्ञापन हुआ न कि संबुद्धि सूत्र के द्वारा, खत्म मान्य राजा इत्यादि नलोप हो जाता, नहीं तो राजा इत्यादि नलोप कैसे हो जाता। यद्यपि व्युत्पत्ति पक्ष है राजन शब्द से कनिन प्रत्यांत रहती, और व्युत्पत्ति पक्ष में उणादियों को लेंगे तब कनिन प्रत्यांत रहेगा, तो कृत इति प्रासंज्ञायां राजा इत्यादि नलोप, तब कृत समास प्रसंज्ञा करके प्रासंज्ञा करके तुम नकार नलोप कर लेंगे। तथा च न विसमित निषेधो न ज्ञापक, इसे न विसमितियों को निषेध का ज्ञापक है, परिभाषा की प्रवृत्ति को निषेध करने में ज्ञापन करता है, ऐसा आपको कहना ठीक नहीं। इति कार्यकाल पक्षे अधातु वर्णम व्यर्थम, इसे कार्यकाल पक्ष में अधातु वर्ण करना व्यर्थ है। तथापि ऐसा यदि कोई कहे तथापि अव्युत्पत्ति पक्ष ज्ञापक एव इति कार्यकाल तस्वी कर्तव्यम, इसलिए अव्युत्पत्ति पक्ष के लिए ज्ञापक जो था उसको कार्यकाल पक्ष में भी स्वीकार करके उन्हें करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नचो सुपो धातु इति सूत्रे प्रातिपदिकात् पृथक धातु ग्रहणात् धातोर नेयम नेयम संज्ञा इति न वाच्य, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र में धातु सल प्रातिशब्द क्यों ग्रहण किया, वो ज्ञापन करता है कि धातु धातु नयम संज्ञा धातु को प्रसंज्ञा नहीं होती, यदि प्रसंज्ञा होती धातु को भी तो सूत्र में प्रातिकान से काम चल जाता, सुखो धातु प्रातिपदिक करो सुखो प्रातिपदिक प्रतीक बस इतना ही बात, तब यदि नवाच्य क्यों पुत्रीय इत्यादि प्रत्यांत धातु ग्रहण से चरितार्थत्वात्, पुत्रीय शब्द कैसा है देखने प्रत्यांत क्यच प्रति हुआ है, लेकिन सनातन धातु संज्ञा हो गई, उन धातुओं का निवारण करेगा कौन, अधातु नहीं कहेंगे तो इसे जरूरी है।
अप्रत्यगिम, अब अधातु का विचार समाप्त हुआ, अप्रत्यग विचार। हरिषु करोषि अत्र सुप्सिपोर मा भूत, अप्रत्यगिम तत्र विभक्ति विशिष्टयोर मा भूत, न च अन्तोद्भावेन कांडे कुड्ये इत्यादो प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। कांडे कुड्ये यज्ञी सप्तमी के एकवचन में हम पूर्वांत उद्भव कर देंगे, प्रातिपदिकत्व रहेगा है ना, तो प्रातिपदिक प्रातिपदिक रहेगा, तो कार्य करो फिर उसके अनुसार। तथा च रसो न पुष्कृत रस्व, रस होना चाहिए। सोरुत्पत्तिश्च स्यात् सुगुत्पत्ति भी हमें लग जाएगी। इति न वाच्यम, ऐसा मत कहो। क्यों? सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च प्रयोग किया ना पाणिनि ने, इत्यादि निर्देशेन विभक्ति एक देशस्य अंतोद्भाव अनुभवः। विभक्ति का एक देश को लेकर के पूर्वांत दो पराजय दो करके कोई भी कार्य करना इष्ट नहीं है, ये ज्ञापन हो गया। ननो प्रत्यय प्रदास हो न कर्तव्य हो, प्रत्यांत प्रदास नहीं होगा, प्रत्यांत का प्रदास करने से ही प्रत्यय का भी प्रदास हो ही जाएगा। कैसे? व्यपदेशोद्भाव है ना, तस्या भी प्रत्यांत, जो प्रत्ये भी प्रत्यांति हुआ करेगा व्यपदेशोद्भाव से सिद्ध हो जाएगा। आद्यंत देकस्मिन इति चेत मैवाम, प्रत्यग्रहण यस्मात् सवित तदादर ग्रहणात् केवल सिच अतथात्वा। ये प्रत्यग्रहण यस्मात् विधि है, यह नियम में परिभाषा बना दिया आपने, जिससे प्रत्येक विधान किया है वह है आदि में जब, वह है अंत में जब, इस प्रकार को ही हम संज्ञाओं में ग्रहण करेंगे। तथा च इसे क्या होगा, प्रत्यय समय क्या इसे अतथात्वात्, अन्यथा सुप्तिंगोर भी तदंतत्वात् प्रदत्तम स्यात्। सुप्तिंग भी स्वयं में निर्देश भाव से प्रत्यंत माना जाएगा, फिर सुप्तिंग का भी प्रसंज्ञा कर दोगे क्या। तथा च हरिषु करोषि इत्यादो सप्तम न स्यात्, इसलिए हरिषु करोषि इत्यादि में मूर्धनिष का नहीं होगा। ये समस्या है यदि हम आप तब भी मानोगे तो। सात पदार्थियों की निषेधात्, क्योंकि सात पदार्थियों पद के आदि को निषेध कर दिया, सुप के सूबी पद मान लोगे फिर उसके आदिभूत सकार को मूर्धनि शकार नहीं होगा, ये सात पदार्थियों निषेध कर रहा है। न च सप्त निधेय निरवकाशता, तो सप्त का विधि अवकाश ही मिलेगा, सर्वत्र पदार्थ सर्वत्र निषेध हो जाएगा तो कहते नहीं अवकाश मिलेगा उसको, कहाँ कहते सर्पिशे एष इत्यादि चरिता, क्या वो प्रत्यय नहीं है ना, यहाँ जो श है एतद के तकार को सकार हुआ है, प्रत्यय को नहीं है यहाँ। और इसमें भी आपके जो दूसरा है दृष्टांत एष के अलावा सर्पिशे दिया ना, सर्पिशे सर्पिश शब्द क्या है, प्रकृति का मूर्धन्य सकार है ना, वहाँ तो प्रत्यांत को तो है नहीं, प्रत्यय है नहीं, इस ऐसे दृष्टांत में चरता हो जाएगा सत्व। सात पदार्थ निषेधा, न च सत्व विधेर निरवकाशता सर्पिशे एष इत्यादि जो है चरितार्थत्व, अन्य तु व्याचक्षत है, अन्य लोग इसकी दूसरे ढंग से भी व्याख्यान करते हैं। क्या व्याख्यान कर रहे हैं, कृत्य ही तदंत विधिर वक्षते, कृत्य समासाष्ट सूत्र में स्वयं तदंत विधि को आगे अब कहने वाले हैं। तथा च तदित ग्रहण से तैतांत नाम एव न तो अन्य प्रत्यांत नाम संज्ञा, ऐसे नियम बना लो, यदि प्रत्यांत को करना है तो कृदंतों को तैतांतों को ही होता है, अपने आप क्या होगा सुमंतिगंतों की प्राप्त संज्ञा होगा नहीं, नियम पक्ष बन जाएगा उसमें। आपने समास शब्द का आपने क्या किया, नियम मानते ही है, जब समास शब्द नियमन कर सकता है उस सूत्र का, उसी से कृत और तद में भी नियम बना लो। यदि प्रत्यांतों को जैसे होगा, यदि समुदाय को प्रसंज्ञा करना है तो समास नहीं होगा, उसे भिन्न समुदाय को नहीं होगा, इसे पद समुदाय जो वाक्य है उनको प्रसंज्ञा नहीं होगा, नियम बना लेते हो आप, यहाँ भी नियम बनाओ, यदि प्रत्यांतों को प्राप्त संज्ञा होना है कृत प्रत्यय और तहित प्रत्यांतों को ही होगा, उससे भिन्न प्रत्यांतों को नहीं होगा, अपने असुबंता देंगे प्राप्ति निषेध हो जाएगा। तहितांत नाम एव न तो अन्य प्रत्यांत नाम संज्ञा इति नियमार्थता आश्रित्य प्रत्यांत प्रदासोत्र न कर्तव्य। अथवा दूसरी व्यवस्था, सात प्रजाति सूत्र है साति ग्रहणात् प्रत्यय न प्रातिपदिकम इति, साति इसको ग्रहण करने से ज्ञापन हो गया, प्रत्यय ग्रहण है साति क्या है प्रत्यय है,
साकल्य संपूर्ण को नष्ट करना आदि प्रयोग करने, संपूर्ण अर्थ में सात्विक प्रत्यय होता है। इसलिए प्रत्यय न प्रातिनिधि निषिद्ध है, प्रत्यय ग्रहण सामर्थ्या, प्रत्यय ग्रहण सामर्थ्य तदंत पर अपने आप घट जाएगा। और उत्तर सूत्र प्रत्यय ग्रहण तो विध्यर्थम ये वस्तु, उसको नियम पक्ष ना मान करके उसको विधि पक्ष में रख लेना, संज्ञा विधि पर एक पक्ष उन्होंने और दे दिया। यद्वा एक और पक्ष है, यद्वा सात्विक ग्रहणात् प्रत्यस्य प्रातिपदिक अभावे तद्धित ग्रहणस्य उक्तरित्या नियमार्थत्वे च, सात्विक ग्रहण करने से प्रत्ययों को प्रतिसंज्ञा नहीं होगा और तद्धित ग्रहण सामर्थ्यात् अन्य प्रत्यंतों को ऐसा नियम कर दो, नियमार्थत्वे च अर्थवधातु प्रातिपदिकेव सूचितम्। इतना ही सूत्र पर्याप्त, अर्थवधातु प्रातिपदिकम् इतना कहने से काम चलेगा सूत्र से। तेषां ऐसे लोगों के मत में, तेषां मते, तेषां मने ये व्यवस्था देने वालों के मत में इको एंड चीज सूत्र में व्यर्थ हो जाए, फिर हम सारे सूत्रों को व्यर्थ कर देंगे, जितने भी सूत्र ना सब व्यर्थ हो जाए। क्यों? सब जो अन्य सूत्र देख के ज्ञापन करना है, इको एंड चीज की जरूरत क्या भाई? वह अन्य सूत्र में देख लो, काल समय वेला जनी तस्माद इत्युत्तर से यण हुआ कि नहीं, वायवृत्तु पितृशसा यण हुआ कि नहीं, इन सूत्रों को देख करके मेरा समझ लेंगे इक्वेंटी सूत्र क्या जोड़ते हैं आप। यदि पाणिनि का प्रयोग को देख करके ही हमने हर प्रक्रियाओं को ज्ञापन करके सिद्ध कर लेंगे, फिर विधि सूत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कह रहे वायुवेद प्रतिशित्यादि निर्देशात ज्ञापकात इष्ट सिद्ध है। इसी प्रकार नाचलित चित्र आकर्षित आदिति अयम सूत्रस्थ ग्रंथोपि वृद्धियत, इस सूत्र ग्रंथ की जरूरत नहीं है। क्यों? काल समय वेलासु, वेलासु प्रयोग किया ना वहां पर, इसे ज्ञापन हो रहा है, श्रवण संज्ञा है ही नहीं तीर्वों का, इसे ज्ञापन से सब सूत्रों का काम चल जाएगा, सूत्रों को हटाना पड़ जाएगा, सारे काम बिगड़ेंगे। काल समय वेलासु तुम इत्याय ज्ञापका देव ढक्त अभाव सिद्ध, आकार हकार के ढ संज्ञा मान करके आ में हकार को देखते हुए आ को ढ पर बोला कि ऊपर में है, इन पाणिनि ने किया नहीं है। वेलासु वेलाटसु नहीं कहा उन्होंने, वो ज्ञापन कर रहा है कि आकार का हकार के साथ सम संज्ञा नहीं होगा। फिर सूत्र में आ सही तो आ चिति नाच ऐसे क्यों बना है? नाच जलो सूत्र में यदि ज्ञापक प्रत्याख्यानम अयुक्त, यदि ज्ञापक के द्वारा जो बात कही गई है उसके आधार पर सूत्रों को प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है। ईचा आकार प्रश्लेषी ये तलिंगम इति अभ्युगम में, यदि कहोगे फिर आकार प्रश्लेष मात्र में उत्तर लिंग है, सूत्राक्षर इष्टम सिद्धति और सूत्राक्षर के द्वारा ही वास्तविक लक्षण सिद्ध होगा इति उच्चेत, तरी इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लो ज्ञापक से कोई बात सिद्ध हो रही हो सूत्रों के द्वारा उसको और स्पष्ट कर दिया जा रहा है, यहाँ पर इसलिए अप्रत्यय ग्रहण करना जरूरी हो जाता है। तरी अप्रत्यय तदव अभिगम्य प्रत्यय प्रदा से साथी ग्रहणम लिंगम, प्रत्यय प्रसार करने में साथी ग्रहण करना लिंग हो जाएगा केवल, प्रत्यंत प्रदा से तो प्रत्यय ग्रहणम इति अप्रत्यय ग्रहणम एव आवर्त्य व्याख्यातम, इसलिए अप्रत्यय जो ग्रहण किया गया उसको आवर्त्य करके ही पाठ करना व्याख्यान करना उचित है। कि माने या कुसृष्टि क्या इस फालतू चिंतन के द्वारा अपने जो है इससे ज्ञापन होगी उससे ज्ञापन, इसकी जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं, ज्ञापन कर सबको जरूरत नहीं कहना ये कुसृष्टि है, तुम्हारे विचार गलत। अधातु प्रत्ययविति सिद्धे, एक और बात उठा रहे देखो, बालराम ऐसा बात नहीं की ना इसने उठाया, यहाँ पर सूत्र करो अर्थव धातु अप्रत्यम अधातु अप्र, दो अलग पद बनाया आपने, क्यों? धातु प्रत्यय को समास कर दो, अधातु प्रत्यय धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ये सूत्र बनाओ, एक पद घटाओ वहां पे समास कर दो, ये इनका कहना है ना। अधातु प्रत्यय सिद्ध है नहीं द्वय उपादान, दो नहीं समास अलग अलग करके ग्रहण किया आपने, अप्रतीत्य आवृत्ति सौकर्यार्थम, इसलिए कि अप्रत्यय जो अलग पद रहेगा उसको मात्र का आवृत्ति करेंगे, नहीं तो धातु शब्द आवृत्त हो जाएगा, समास को आवृत्ति करनी पड़ेगी,
और इस समास को तोड़ के उसका एक हिस्सा को आवृत्ति करना पड़ेगा, बिना सर्वतत्व प्रतिज्ञा होना जरूरी हो जाएगा। बिना सर्वतत्व प्रज्ञा का प्रतिज्ञा का समास किया हुआ एक शब्द का आधा ऐसा टुकड़ा कर कोई कार्य विशेष नहीं कर सकते आप। इसीलिए हम यहाँ जान करके पाणिनि ने अलग ही शब्द कर दिया, आवृत्ति करने में कोई परेशानी ना हो। महासंज्ञा करणम ठीक है, फिर भी प्रातिपदिकम इतना लंबा चौड़ा क्यों करा संज्ञा, है ना? घ ही घू संज्ञा किया, त टी टू संज्ञा कर देते, त संज्ञा कर दे, टी संज्ञा किया आपने, तो भी कर दो एक संज्ञा, है ना? अर्थ धातुरा प्रत्यय त सूत्र बना छुट्टी पाई लाघवता। इतना गौरव संज्ञा क्यों कर रहे हैं आप? अनवर्थ संज्ञा महासंज्ञा करना श्रुति अनुरोधात, वेदों के आधार पर किया गया है। अथर्ववेद में मंत्र में आया है तथा च अथर्वणे पठ्यते, अथर्ववेद में प्रश्न उठा को धातु किम प्रातिपदिकम कह प्रत्यय इति, इसने हमें यहाँ व्याकरण में उसी को अनुसरण करते हुए हमको महान संज्ञा ही करना पड़ा। महासंज्ञा करना दित्तादीनि अव्युत्पन्नानि यह उदाहरण, इसलिए सूत्र मुख्य उदाहरण कौन है? अव्युत्पत्ति पक्षवाद से जो बनते हैं रूप उन्हीं को लेना, अव्युत्पत्ति पक्षस्य चैदमेव ज्ञापकमिति प्रांच। इसे पूर्वाचार्य ने कहा अव्युत्पत्ति पक्ष में यह सूत्र ही ज्ञापक वस्तुतस्तु, इन वास्तव में व्युत्पत्ति पक्ष के लिए भी यह सूत्र काम आएगा। कैसे? यदि व्युत्पत्ति पक्ष है बहुपठव इत्याद्यर्थम सूत्र मिति नव्याह, या बहुच प्रत्यय हो रखा है पीठ में ना, पटु शब्द था प्राकृतिक क्या यहाँ पटु, और प्रत्यय कहाँ बैठ गया? पटु का पीछे पर में नहीं बैठा यहाँ, क्योंकि वो सूत्र ही है, वो आगे दे रहा है देखो न चैव बहुच पूर्व प्राकृतिकम इत्येव सूत्र था, यदि इसके लिए सूत्र बनाना था एक सूत्र बन जाता है इसे बहुच पूर्व प्राकृतिकम, ये सूत्र बना लो। ऐसा मत कहो मूल के उपदंशम इत्यादो कृदन तत्व अति प्रसंगात गति कारक पूर्व से कृदंत, गति और कारक पूर्व में जो होगा वो भी कृदंत माना जाता है। नच समास ग्रहण निमार्दम निस्तारा, अरे समास जो ग्रहण किया उससे नियम हो जाएगा ऐसे भी आप नहीं कर सकते। नच समास ग्रहण नित्य नियमार्थम इति निस्तारा, अर्थव सूत्र आरंभम बिना समास ग्रहण से नियमार्थत्व होगा, अरे समास जो ग्रहण किया तब नो नियमन करेगा जब पहले कोई सामान्य विधि हो, बिना सामान्य विधि का कोई नियमन कौन करे? होता क्या नियम विधि कब होता है? तत्र च अन्यत्र च, नहीं उस पक्ष भी प्राप्त अन्य पक्ष भी प्राप्त, नियम पाक्ष के सती क्या ना पहले विधि अत्यंत प्राप्त नियम पाक्ष के सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते, एक पक्ष कहीं से प्राप्त हो तब उस पक्ष को त्याग करके दूसरे पक्ष कराने के लिए नियम होता है, नहीं पहले से कहीं से प्राप्त ही नहीं है तो नियमन क्या करोगे? प्राप्त किससे होगा पहले? अर्थोदातों पर प्राप्त, सिर्फ उस नियम के आधार पर यहां कुछ कहना ये जरूरत नहीं कहना गलत है, क्योंकि नियम ही पैदा नहीं होगा यदि यह नहीं होगा तो। इस अर्थ सूत्र आरंभ बिना समास ग्रहण से नियमार्थत्व अयोगात, नियमार्थत्व ही सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से अर्थ धातु प्रातिपदिकम का पूरा विचार हो गया। कृत्तद्यत समासाश्च सूत्र आरंभ होता है, कृत्तद्यत समासाश्च कृत्तद्यत समासाः प्रथमक बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। कृतयितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः, कृतार्थधिक कृदन्तार्थहितान् अंश प्रत्येकं संबध्यते, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाण पदं प्रत्येकमपि संबध्यते, नियमन द्वन्द्वादो द्वन्द्व मध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाण पदं प्रत्येकमपि संबध्यते प्रातः संज्ञा स्युः, इन तीनों का प्रातः संज्ञा हो जाए। पूर्व सूत्रेण सिद्ध है समास ग्रहणम नियमार्थम, क्योंकि समास में क्या है शब्द स्वरूप है, अर्थ शब्द स्वरूप हो जाता है,
समास क्या है? अर्थवान शब्द स्वरूप है ही, तो इसलिए उसी से सिद्ध हो जाएगा प्राचीन संज्ञा। तो क्यों ग्रहण किया? कहते नियमार्थम। नियम क्या, क्या है नियम का स्वरूप? कहते यत्र संघाते पूर्वो भाग पदम तस्य चेत भवति तरि समासस्येव। जिस समुदाय में पूर्व भाग पद हो ऐसे समुदाय के लिए प्रासंज्ञा करनी है तो समास में ही होगा, अन्यथा नहीं। तेन वाक्यस्य न, इस समुदाय में वाक्य रूप है, वाक्य भी क्या पद समुदाय है, वहां भी पूरे पद रहेगा, फिर वाक्य को भी समास कर दो, भी अर्थवान ही, निरर्थक वाक्य तो है होते ही नहीं, जो भी वाक्य होगा वह सावधारणम भवति। व्याकरण का नियम है ना, सर्व वाक्य सावधारण भवति क्रियैव परिसमाप्यते, नियम क्रिया से समाप्त होगी, अतः निश्चित कोई अर्थ देगा ही वो क्रिया, सारे कार्य को समझने होकर निश्चित अर्थ मिलेगा हमको, अर्थवत भी है, हैं? पर समुदाय भी है, तो प्रासंग हो रहा था वाक्य को भी, उसमें न हो इसलिए ज्ञापन कर दे समास। यदि पद समुदाय रूपा वाक्य आदियों में भी करना होगा तो वही होगा जहां पर समास किया गया, तेन वाक्यस्य न, इसे वाक्य का प्रसंज्ञा नहीं होगा।